कैसे हो गाइस, आप सब वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो पे। यहाँ पर होता है ऐसा है जहाँ सभी लोग धूमधाम कर रहे होते हैं, बट अनुपमा के सामने तो आ ही जाता है कि मतलब उसको तो भाई वही चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने कुछ गलत किया नहीं है और जो मैं मुझे गलत साबित किया गया है मुझे उसका सच सामने लाना है। मैं ऐसे पाप में रह नहीं सकती हूँ कैसे बगैर सच सामने आए, और मैं सही मतलब जो मैंने किया नहीं है, अगर मैंने किया होता तो फिर मैं मान लेती, बट जब मैंने किया नहीं है तो मैं ऐसे झूठे बना के नहीं रह सकती हूँ। मुझे चाहिए इंसाफ और मैं किसी भी हालत में वो पाकर ही रहूँगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि अनु इंसाफ चाहती है बट इतना जल्दी ये हो नहीं पाए, लेकिन अब उसका काम हो जाने वाला है आसान, क्योंकि श्रुति के बारे में उसको पता लगता है। बेसिकली श्रुति घर में आके रहने लगी है, और जब से वो घर में रहने आई है तब से अनु को और लगने लगा है कि नहीं कुछ तो है इसमें, जो कि श्रुति को कॉल वगैरह पर बात करते हुए सुन लेती है। और जब से उसको लगा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, तब से वो वहाँ पे हेट करने लग जाती है कि मैं इस सच को बाहर ला कर ही रहूँगी एंड जो भी है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है गाइस वो दोनों आपस में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड मेरे को तो लगता है कि श्रुति का अब भंडा फूटने वाला है। भंडा फूटते ही अनुज भी अनु से माफ़ी मांगेगा, जो हर बार वो मांगता है, क्योंकि अनुज से वो कोई ज़्यादा दिन तक गुस्सा रह नहीं सकता है। तो क्या लगता है आपको, कमेंट करना और भाई को सब्सक्राइब कर लेना।